सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजनम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस, आज हम जॉब वैकेंसी लेके आए हैं जो कि RIBECIL यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि दोस्तों एक मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय की तरफ से दोस्तों वैकेंसी आई हुई है। अब मैं दोस्तों बता देता हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब आपको अप्लाई करना है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर एलिजिबल है इस जॉब के लिए या नहीं, और कितनी कुल मिला के वैकेंसीज निकली गई है। तो सबसे पहले गाइज मैं बता दूँ, इसे ऑल ओवर द इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर द इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कैटेगरीज हैं, सभी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज मैं वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ तो कितनी वैकेंसीज इसमें ओवरऑल निकली हुई है दोस्तों, ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि इसमें कुल मिला के 464 वैकेंसी निकली है जो कि MTS की पोस्ट के लिए निकली हुई है। MTS मीन्स मल्टी टास्क का स्टाफ, ठीक है, मल्टी टास्किंग स्टाफ दोस्तों। सिवाय MTS में दोस्तों आपका सफाई वाला नहीं होता है, उसके अलावा सारे पोस्ट होती हैं। तो दोस्तों 464 वैकेंसी निकली हुई है, 464। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं दोस्तों तो सिंपली 8th पास चाहिए, 8वीं पास, इससे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप में आपके पास MTS की पोस्ट का, ठीक है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो जॉब है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है MTS का किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी इंस्टीट्यूशन में, वो इसे अप्लाई कर सकता है। ओके, अब मैं सैलरी की बात करूं दोस्तों तो 16,341 रुपये आपकी सैलरी होने वाली, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, स्टार्टअप के लिए अच्छा अमाउंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये डिपार्टमेंट जो है आपका सूचना एवं प्रसार मंत्रालय की तरफ से आता है। ओके, और जो आपकी जॉब लगनी है दोस्तों, जॉब की जो लोकेशन रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों आपका ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो आपकी मुंशी पार्टी का जो कॉरपोरेशन है ईस्ट दिल्ली में, दिल्ली की जो ईस्ट में जो भी एरिया आता है वहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों वैकेंसी नोटिस है। ओके, अब आपको मैं और बताता हूँ दोस्तों इसमें क्या लिख रखा है और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये 27/5 यानी कि कल ही दोस्तों ये वैकेंसी निकाली हुई है इन्होंने। ये दोस्तों वैकेंसी का नोटिस है, ये नोटिफिकेशन नहीं है। ओके, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप और भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब गाइज मैं बात करता हूँ इसका, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो गाइज मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसी है ये है आपकी MTS की पोस्ट के लिए, 464 वैकेंसीज निकली हुई है, 8th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए MTS में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट संस्थान से आपने एक्सपीरियंस ले रखा हो। सैलरी आपको मैंने बता दी, 16,341 रुपये आपकी इन हैंड आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। अब गाइज और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ इस पोस्ट के बारे में। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आपको मैं दोस्तों बता देता हूँ कि फीस स्ट्रक्चर, कितनी फीस लगनी है इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों। अगर आप जनरल हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो 500 रुपये फीस रखा गया है, अगर आप SC हो, ST हो, PH हो या अदर कैंडिडेट हो तो 250 रुपये फीस रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप बाय कैश या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट का दोस्तों आपको किसके फेवर बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और पेबल एट न्यू दिल्ली, यानी कि दोस्तों BECIL के फेवर में आपको बनाना है, और जो पैसा जाएगा ये जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। ओके, अब गाइज मैं और बात करता हूँ इसका, और क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो फॉर्म है दोस्तों ये रहेगा आपका ऑफलाइन। ओके, ये ऑफलाइन फॉर्म है आपका, आपको इसको चिट्ठी बना के आपको भेजना है। अब दोस्तों मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, किस एड्रेस पे आपको चिट्ठी बना के भेजनी है। एड्रेस दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। The duly filled in application form along with the self-attested documents may be submitted to DPT, यहाँ से है DPT General Manager HR, ठीक है, in BECIL Head Office, 14B Ring Road IP State New Delhi 11002। तो दोस्तों ये एड्रेस है, इसके ऊपर आपको भेजना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों आपको मैं। ओके, ये देखिए, इस एड्रेस पे भेजना है ये। ओके, यहाँ तक ये आपको इस एड्रेस पे भेजना है, जो दोस्तों मैंने जो हाईलाइट कर रखा है। ओके, इस पे आपको भेजना है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ सीखने को आपको नया मिल जाएगा।
और दोस्तों ये बता दूं कि कौन कौन से आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं गाइस में बात करूं, फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि दोस्तों आपको एट्थ क्लास की जो आपकी सर्टिफिकेट है उसको लगाना है। अगर आपने 10th कर रखी है वो भी लगा देना, 12th कर रखी है वो भी लगा देना, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं एजुकेशन वाले। एजुकेशन में आपका आता है 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जहाँ तक आपकी लास्ट एजुकेशन है उसके सभी के सभी आपके डॉक्यूमेंट आपको उसके जेरोक्स कॉपी लगानी है। फोटो कॉपीज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, जो आपने किसी भी अगर डिपार्टमेंट में, किसी भी मंत्रालय में अगर आपने काम कर रखा है एज ए MTS का, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लगानी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो आपको दोस्तों इसके साथ अटैच करनी है इस फॉर्म के साथ, ठीक है। पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, और रजिस्ट्रेशन फीस की दोस्तों उसकी रजिस्ट्रेशन जो आपने कर रखी होगी उसकी फोटोकॉपी। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट लगा रहे हो तो डिमांड ड्राफ्ट का दोस्तों पूरा का पूरा डिमांड ड्राफ्ट चाहिए उसमें, या अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश का दोस्तों कॉपी चाहिए, ठीक है। और गाइज मैं और बताता हूँ, इसकी दोस्तों लास्ट डेट जो होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म को, 15 जून, 15 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। 15 जून से पहले पहले सभी के सभी बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं अपनी चिट्ठी भिजवा दें इस पते पे। पता आपको दोस्तों मैंने बता ही दिया है, यहाँ से ये पता है इसका पूरा, ओके। तो आप देख ही रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे। और गाइस और मैं आपको अदर इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके अलावा, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ एज की, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ने एज तो बताई नहीं। दोस्तों एज है मिनिमम 18 साल, ठीक है, आपको मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा। मिनिमम है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है इसमें 45 ईयर्स, ओके। तो 18 से 45 साल के युवा युवतियां इसे अप्लाई कर सकती हैं। 8वीं पास की वैकेंसी है, साथ में साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन MTS, चाहे सरकारी सरकारी हो चाहे प्राइवेट मंत्रालय हो। सैलरी आपको मैंने बता दी है, एजुकेशन आपको मैंने बता दी है, पोस्ट का नाम रहेगा MTS, 464 पोस्टें हैं दोस्तों, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला, किस बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ओके गाइस। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ किस पोस्ट किस बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो इसमें एक सिंपली आपका एक रिटन टेस्ट होने वाला है, लेकिन एज पर दी वैकेंसी नोटिस दोस्तों पूरा अभी नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं किया है BECIL की तरफ से, लेकिन जो पहली वैकेंसी निकली थी, पहले MTS की वैकेंसी निकली थी, उस पर लिखा हुआ था कि आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बेस पर कट ऑफ बनती है, देन आपका ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपका एक जस्ट नॉर्मल फॉर्मेलिटी होगा। जिनके पास 8वीं पास के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है MTS का, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। दोस्तों मैं कहूंगा कि ऑल ओवर द इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स किसी भी स्टेट के हों, और कोई भी इसमें परसेंटेज का मैटर नहीं है, ठीक है, कोई डिपेंड नहीं करता। आप सभी के सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 45 साल है, ठीक है। तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ये, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय का दोस्तों तरफ से एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के अगर आप अपडेट्स चाहते हो और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी इस तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत गाइस, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल। और इस वीडियो के बाद में दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से एक वैकेंसी के बाद एक प्रस्ताव रखा गया हुआ है जो कि सिर्फ वुमेन के लिए है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है जो हमारी जो महिलाएं हैं इंडियन आर्मी में जाती हैं तो शॉर्ट सर्विस कमीशन करके आ जाती हैं, यानी कि उनकी परमानेंट जॉब नहीं होती है। 10 साल के बाद दोस्तों वो अपना अपना जो है परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो उनके लिए कुछ आर्मी ने सोचा है, कुछ कैडरे में वैकेंसी निकालने के लिए सोचा है, ठीक है। तो उसके बारे में दोस्तों वीडियो आज रात तक आपको मिल जाएगी, उसको देखना भी मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत गाइस, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल।